मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह सोमवार को छतरपुर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए संचालित कुछ संस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वे स्तुति बाल गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। छतरपुर के सर्किट हाउस में बाल कल्याण समिति के सदस्यों से भेंट की और उसके बाद उन्होंने इस संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके सामने कुछ अनियमितताएं भी आईं, जिनको दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने दिए। उल्लेखनीय है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रदेश भर में चल रही बच्चों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें और उनकी निगरानी करें। इस दौरान बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के साथ बाल कल्याण समिति के स्थानीय सदस्य भी मौजूद रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने कहा कि स्तुति बाल गृह में कुछ कमियां प्राप्त हुई हैं, जिनको सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कमियों को जल्द नहीं सुधारा जाएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ कमियां थी यहाँ पे और उन कमियों की तरफ हमने ध्यान दिलाया है। जैसे कि कुछ बच्चे निर्मुक्त हो गए थे और वो अपने घर जाना चाहते थे, CWC ने निर्मुक्त किया था, क्योंकि CWC के बिहाव पे बच्चे यहाँ रहते हैं और उनके आदेश से बच्चे बाहर जाना चाहिए। इस बात के लिए संस्था से कहा है, संस्था उनको निर्मुक्त करेगी, उन्हें जनवरी का बोला है। हम चाहते और पहले भी निर्मुक्त हो जाएँ यहाँ से। और कुछ इनके शयन कक्ष की भी गद्दे ठीक नहीं थे, वो थर्मोकोल के थे, वो भी इन्होंने बोला है कि हम उसको बदल देंगे। थोड़ी बहुत कमियां थी, ये बदलेंगे। हम फिर से आप लोगों से भी पूछेंगे, CWC से पूछेंगे, जो कमियां थी उन्हें दुरुस्त की नहीं की, और नहीं होगी फिर आएंगे। खाने में भी कीड़ा, हाँ, गुड़ में कीड़े थे और आटे में भी थे, वो भी ये अलग करेंगे उसको। हम देखेंगे, सुधार करने की पहले कोशिश करेंगे, सुधार हो नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे। और कोई नए निर्देश दिए हैं आपके द्वारा दिए गए हैं क्या? बस यही निर्देश दिए हैं, हमने निरीक्षण पुस्तिका पे भी लिख दिया है जो कुछ इनको करना है, जो कुछ हमने पाया है। ऐसे निरीक्षण करने का क्या उद्देश्य है? व्यवस्था में सुधार हो और बच्चों को वो सब मिले जो हमारे नियम में है, और बच्चे जिन उद्देश्य से यहाँ आते हैं, ये ऐसे बालक हैं जो चार बच्चे जैसे लीगल फ्री हुए हैं, ये एडॉप्शन की प्रोसेस में जा रहे हैं, यहाँ बच्चे की रखने अस्थायी तौर पे बच्चे रखे जाते हैं, उनको परिवार एक माहौल देने के लिए एक तो एडॉप्शन प्रक्रिया है, दूसरा सबसे पहले तो ये बच्चे वहाँ जाएँ जिस परिवार से आए हैं। तो बाल कल्याण समिति ये सब प्रक्रिया करती है। दूसरे हम आयोग की तरफ से इस पर निगरानी करते हैं, ये पूरा प्रोसेस ठीक से जा रहा कि नहीं जा रहा, ये हमारे निगरानी की प्रक्रिया में है।